Hallelujah. 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 Aur zor se Hallelujah. 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 जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि एक बहन ने मुझसे पूछा क्यों हमारे भगवान के कान नहीं होते हैं कि इतने जोर जोर से आप लोग चिल्ला रहे हैं हालेलुया 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 आप जानते हैं क्यों लोगों से बहुत जोर जोर से चिल्लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि हमारी आत्माएं झुकी हुई हैं हालेलुया हालेलुया हमारी आत्माएं दुख पीड़ाओं में डूबी हुई है हालेलुया हालेलुया इसलिए हम प्रभु की वाणी को शायद ही सुन पाते हैं हालेलुया हालेलुया इसलिए हमारी आत्माओं को जगाना बहुत जरूरी है हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद 2000 वर्ष पहले ईश्वर का पुत्र यीशु संसार का मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आया तो कहां पे आया कहां पे आया हां गौशाले में ये छोटी छोटी सिस्टर लोग बोलती है बाकी लोग नहीं बोलते हैं तो ईश्वर का पुत्र यीशु इस संसार में आया तो कहां पे आया गौशाले में कोई था वहां पे कौन था भेड़ बकरियां बस और कोई नहीं था और कौन था हां चरवाहे चरवाहे थे हां तो प्रभु यीशु इस संसार में आए तो आपने कहा कि गौशाले में आए तो गौशाले में आपने कहा कि भेड़ बकरियां थी और भी कोई था कि नहीं कौन था माता मरियम और संत योसेफ उसको भूल गए पहले भेड़ बकरियां बोल दिए हालेलुया हालेलुया लोगों को पेड़ पौधे दिखाई देते हैं भेड़ बकरियां दिखाई देते हैं इंसान नहीं दिखाई देता है हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद तो संसार का मुक्तिदाता यीशु जब इस संसार में आया तह एक परिवार में आया यूसुफ और मरियम के परिवार में एक महत्वपूर्ण बात है ईश्वर मनुष्य बनकर संसार का मुक्तिदाता बनकर आया संसार में तो एक परिवार में आया वो परिवार उस समय गौशाले में था लेकिन परिवार में आया क्यों क्योंकि संसार का मुक्तिदाता मुक्ति का कार्य परिवार से शुरू करना चाहता था संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु ने मुक्ति का कार्य एक परिवार से शुरू करना चाहता था चाहा क्योंकि अगर परिवार का उद्धार हुआ तो मनुष्य का उद्धार हुआ अगर परिवार बिगड़ गया तो मनुष्य भी बिगड़ गए यहां पर बहुत सारे माता पिता बैठे हैं पुरोहित धर्म बहने बैठे हैं आधुनिक युवक युवतियों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं लेकिन एक बात को भूल जाते हैं कि ये सभी युवक युवतियां परिवारों से आए हैं इसलिए अगर मनुष्य का उद्धार करना है तो सबसे पहले परिवार का उद्धार करना होगा परिवार का उद्धार हो जाता है तो मनुष्य का भी उद्धार हो जाएगा मैं सोचता हूं यही कारण है मुक्तिदाता यीशु परिवार में आया सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु परिवारों में जाया करते थे काना नगर के विवाह भोज में उस घर में उपस्थित थे मार्था मरियम के घर जाया करते थे जायरुस के घर गए
अलग अलग लोगों के घर गए, जहां भी यीशु गए वहां पर चमत्कार प्रकट हुए। जकेउस के घर गए तो वहां पे मुक्ति पहुंच गई। लाजरुस के घर गए तो लाजरुस जो मर गया था जिंदा हो गया। जायरुस के घर गए, उसकी बेटी जो मरी पड़ी थी वो जिंदी हो गई। तो प्रभु यीशु जिन जिन परिवारों में गए उन उन परिवारों में प्रभु के चमत्कार भी देखने को मिले। मेरा भी ये दृढ़ विश्वास है, अगर परिवारों का उद्धार होगा तो मनुष्यों का भी उद्धार होगा। अच्छे परिवारों से अच्छे बच्चों का बच्चे जन्म लेते हैं। इसलिए आज परिवारों पर दृष्टि दौड़ाने की जरूरत है। समूचे संसार में परिवारों की स्थिति कोई अच्छी नहीं है। खुदा को शुक्र, ईश्वर को धन्यवाद कि हमारे देश में अभी भी परिवार कुछ हद तक सही सलामत है। लेकिन जिन देशों को आप धनी देश कहते हैं, विकसित देश कहते हैं, मुझे नहीं मालूम ये लोग विकास की क्या परिभाषा है इनके मन में। अच्छी सड़कें, अच्छे मकान, गाड़ियां, ये लोग बोलते हैं विकास है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। जिन देशों को विकसित देश कहते हैं उन देशों में परिवारों की दशा दयनीय है। कहीं कहीं तो परिवार ही नहीं है। युवक युवतियां शादी नहीं करना चाहते हैं, बिना शादी के ही पति पत्नी के रूप में जीना चाहते हैं। अगर प्रभु की कृपा से शादी हो भी गई तो उनमें से अधिकतर लोग बच्चे नहीं चाहते हैं, परिवार नहीं चाहते हैं। बड़ी दयनीय अवस्था। एक जगह पे मुझे परिवार के बारे में कन्वेंशन देना था पति पत्नियों के लिए, दंपतियों के लिए। मैंने सोचा कि अपने यहाँ एक परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, पति पत्नी दोनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों आती है, काफ़ी कुछ बाइबल भी जानते हैं। मैंने सोचा इनको ले जाऊंगा। तब तक उस शाम को पति वहां पे पहुंच जाता है। मैंने बुलाया नहीं उससे पहले, प्रभु को धन्यवाद। और अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा है, बोलते हैं मालूम है फादर जी, आप सोचते हैं हम लोग मेड फॉर ईच अदर है, वो तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं शादी के बाद आज तक मुझे खाना पकाना पड़ता है, आज तक उसने खाना नहीं पकाया। मैंने कहा जब मैं आया था उस समय उसी ने पका के खिलाया, ये तो समस्या है। कोई बाहर से आ जाता है तो वो पकाती है, लेकिन अन्यथा मुझे खाना पकाना पड़ता। आपको मालूम है उसका कपड़ा मुझे धोना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कलीसिया में लोग धर्मी बोलते हैं देखो फादर लोग कैसा कैसा जीवन जीते हैं, लेकिन मैं ही बताना चाहता हूँ हमारे परिवारों की दशा कितनी दयनीय होती जा रही है। इसलिए हमारे परिवारों के उद्धार के लिए यीशु का हमारे परिवारों में आना जरूरी है। प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य 31, प्रेरित चरित अध्याय 16 वाक्य 31 में एक बहुत सुंदर वचन है। वहाँ पे लिखा हुआ है आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। इस वचन को दोहराइए, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। और एक बार दोहराइए विश्वास के साथ, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी, आपको और आपके परिवार को। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र ग्रंथ कहता है आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। यीशु में विश्वास करने का तात्पर्य क्या है? यीशु का में विश्वास करने का तात्पर्य है यीशु को जानना, यीशु को पहचानना, यीशु को अंगीकार करना, यीशु को अपने जीवन और अपने परिवार का केंद्र बनाना। यीशु को जानना, यीशु को पहचानना, यीशु का अंगीकार करना, यीशु को मानना, यीशु को अपना केंद्र बनाना और अपने परिवार का केंद्र बनाना। अगर यीशु हमारे परिवारों का केंद्र बन जाएगा तो हमारा परिवार उद्धार प्राप्त करेंगे। यीशु को केंद्र बनाना,
देखिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में मैं कुछ बातें रख रहा हूं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम जकेउस के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर वचन में लिखा गया है कि जकेउस प्रमुख नाकेदार था, चुंगी लेने वाला था और बहुत धनी था, लेकिन दुर्भाग्यवश नाटा था और पापी भी था। पापी माना गया था क्योंकि वह चुंगी लेता था, अन्यायपूर्वक लेता था, चोरी भी करता रहा होगा, इसीलिए समाज ने उसको पापी ठहराया। पापी था और नाटा भी था, लेकिन जकेउस के अंदर यीशु को देखने की ललक हुई, यीशु को देखने की इच्छा हुई कि मैं यीशु को देखूंगा। संभवतः उसके जीवन में कोई कमी थी, इसके बारे में हम जानते हैं। उसके परिवार में मुक्ति नहीं थी, यानी उसके जीवन में असंतोष था, असंतुष्टि थी, परिवार में शांति नहीं थी, चैन नहीं था। इतना पैसा था, गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, जमीन थी, लेकिन तब भी परिवार में कोई खूबी नहीं थी। इसीलिए संभवतः किसी ने जकेउस से कहा कि यीशु को क्यों नहीं देखते, यीशु से क्यों नहीं मिलते। जकेउस यीशु को देखना चाहता था लेकिन दुर्भाग्यवश नाटा था और यीशु के चारों ओर भीड़ लगी रहती थी, इसीलिए वो यीशु को देख नहीं पाया। लेकिन जकेउस की आतुरता इतनी ज्यादा थी, वो ज्यादा आतुर था, इतनी ज्यादा उसके अंदर इच्छा थी, इतनी ज्यादा उसके जीवन में पीड़ा थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो आगे की ओर दौड़ता है, जिस मार्ग से यीशु आ रहे थे उस मार्ग पर एक पेड़ था, गुलर का पेड़ था, उस पे जाके बैठ जाते हैं, डालियों के बीच पत्तों से छिपकर बैठ जाते हैं। क्या के लिए? वचन में लिखा हुआ है वो यीशु को देखना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच जाते हैं, वचन में बताता है यीशु वहां पे आ जाते हैं जहां पे जकेउस बैठा हुआ था। यीशु उसकी ओर देखते हैं और यीशु ने उससे एक बात कहा। क्या कहा? यीशु ने कहा, जकेउस जल्दी नीचे उतर आओ क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। प्रभु ने जकेउस से कहा कि जल्दी नीचे उतर आओ क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जकेउस को प्रभु ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। क्या संदेश है? जकेउस, मुझे देखने से तुम्हारे जीवन की समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना होगा। That is the solution for your problem. तुम्हारी समस्या का समाधान मुझे देखना नहीं है बल्कि मेरा तुम्हारे घर पे ठहरना है। रविवार को मिसा में आना काफी नहीं है, शाम को रोजरी बोलना काफी नहीं है, ईसाई नाम लेना काफी नहीं है, बपतिस्मा ग्रहण करना काफी नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम अपने परिवार में मुक्ति चाहते हो तो मैं ये बताना चाहता हूं तुम्हारे परिवार में मेरा ठहरना होगा। जकेउस समझदार था, जल्दी से पेड़ पर से नीचे उतर आता है। वचन में लिखा हुआ है बड़े आनंद पूर्वक जकेउस ने यीशु को अपने घर पे स्वागत किया, मजबूरी से नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आनंद पूर्वक यीशु को अपने घर पे ले गया। इतना ही नहीं, जकेउस ने ढूंढा मेरे परिवार में यीशु को ठहरने के लिए क्या क्या बाधाएं हैं। उसके मन में आई बात, सबसे बड़ी बाधा मेरा धन है, मेरा इकट्ठा किया हुआ धन यीशु के ठहरने के लिए सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए जकेउस ने कहा, प्रभु आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट देता हूं। फिर उसने देखा यीशु को मेरे घर पे ठहरने के लिए दूसरी बाधा मेरी जीवन शैली है, मेरी कार्य शैली है। मैं जिस प्रकार काम करता हूं, मैं जिस प्रकार पैसा कमाता हूं, वो तौर तरीका गलत है। इसीलिए उसने प्रभु से कहा, प्रभु जिसको मैंने ठगा है मैं ठगता था, प्रभु सत्य है, मैं चोरी करता था, मैंने बेईमानी की, जिन लोगों के साथ मैंने बेईमानी की है लिखा है मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। इतना सुनने के बाद यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति आई है। क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में मुक्ति आए?
सबसे पहले यीशु को अपने घर पे आनंद पूर्वक स्वागत करें। इतना ही नहीं, परिवार में यीशु के ठहरने के लिए जो जो बाधाएं हैं उन्हें उठाकर फेंकना जरूरी है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1:16 में लिखा गया है, कोलोसी अध्याय 1:16, वहां पे संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ उनके लिए और उनके द्वारा सृष्टि किया गया है। सब कुछ उनके लिए बनाया गया है, किनके लिए? यीशु के लिए, उन्हीं के द्वारा। यानी सब कुछ का केंद्र यीशु बनना चाहिए। कान खोलकर सुने, सब कुछ का केंद्र यीशु बनना चाहिए। जब यीशु को एक मसीही विश्वासी परिवार से के बीच में से दरकिनार किया जाएगा, बगल किया जाएगा, उस समय उस परिवार में उथल पुथल होगा। 5-6 साल पहले की बात है, बनारस का एक परिवार आश्रम आया। वास्तव में परिवार नहीं आया, लेकिन पत्नी आई। शाम का समय था, उन्होंने कहा कि स्वामी जी देखिए, परिवार की परिस्थिति बहुत खराब है, आप हमारे घर पे आ जाइए। मैंने कहा मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा, पहले आपका पूरा परिवार यहाँ पे आ जाए। अगले दिन शाम को पति पत्नी, बेटी और बहू, बेटा नहीं आ पाया, चारों जन आए। पति लेक्चरर हैं कॉलेज में, पत्नी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही है, बेटे की शादी हुई, 6 साल बीते, अभी तक एक बच्चा नहीं है। बेटी एमए बीएड है, बहुत अच्छी लड़की, सुंदर लड़की, शादी हुई लेकिन अभी 1 साल नहीं हुआ, तलाक की बात चल रही है। इतना ही नहीं, बेटी की ओर से, इस ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है, उस ओर से भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसी परिस्थिति में लड़की के बाप ने शराब पीना शुरू कर दिया, पूरा परिवार बर्बाद हो रहा था। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपसे, आप मेरे साथ आइए, जिस तरह यहाँ पे आराधनालय उसी तरह हमारे यहाँ एक आराधनालय है। मैं वहाँ ले गया, उनके साथ बैठ गया, प्रार्थना की किताब मेरे पास थी, 45 मिनट तक प्रार्थना में उनकी अगुवाई की। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपको वायदा करना है कि कल से आप रोज 1 घंटा प्रभु के सामने प्रार्थना में बिताएंगे, जिस तरह मैंने बिताया उसी तरह। किताब भी मैंने उनके हाथ में थमा दिया। मैंने पूछा कि आप ये करने को तैयार हैं? उन्होंने वायदा किया तो मैंने कहा शुरू कीजिए। उस समय से लेकर, 5-6 साल से ज़्यादा बीत गया है, उस समय से लेकर आज तक उस घर में, शहर में रहते हैं, उस घर में शाम को 8 बजे से 9 बजे तक पूरा परिवार प्रार्थना में बैठता है। उन्होंने कहा कि पहले हम लोग कभी कभी बाहर जाकर सफर करते थे, खाना खाते थे, क्योंकि शहरों में लोग ऐसा करते हैं, निर्णय लेते हैं कल हम लोग घर पे कुछ नहीं पकाएंगे, हम लोग बाहर खा लेंगे, होटल में खा लेंगे। शाम होते ही वे लोग टहलने के लिए निकलते थे, किसी के मेहमान बन के जाते थे, मेहमानों को बुलाते थे। लेकिन उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। शाम को 8 बजे से 9 बजे तक वे घर से कहीं भी बाहर नहीं जाते थे, येसु को प्राथमिकता देना शुरू किए, येसु को अपने परिवार का केंद्र बनाए। 1 घंटा पूरा समय अनुग्रह के सिंहासन के सामने पूरा परिवार इकट्ठे होकर प्रार्थना करने में बैठते थे। नतीजा, साल भर में उनके बेटे को एक सुंदर सा बालक मिला। आगे बेटी का मुकदमा सारा कुछ समाप्त हुआ, तलाक हो गया, बेटी को अच्छी खासी नौकरी मिल गई, पति का शराब पीना बंद हो गया, दूसरे मंजिल का मकान बन गया। एक के बाद एक अनुग्रह उनके जीवन में दिखाई दिया। जब तक यीशु उनके परिवार का केंद्र नहीं था, उस समय उनके जीवन में उथल पुथल आ गया। जब यीशु को हम अपने परिवार का केंद्र बनाएंगे, उस समय हमारा परिवार नियंत्रित हो जाएगा, प्रभु यीशु सब कुछ को नियंत्रित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19:6 में प्रभु यीशु ने कहा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करें। दंपतियों के बारे में, परिवारों के बारे में प्रभु यीशु ने कहा है, जिसको ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करें। मैं बताना चाहता हूं, हर परिवार ईश्वर का जोड़ा हुआ है। और ये भी जानिए, ईश्वर ही परिवारों को जोड़े रख सकता है। टीवी ईश्वर को, परिवारों को जोड़े नहीं रख सकती है।
नौकरी और पैसा परिवारों को जोड़े नहीं रख सकता है, ईश्वर ही परिवारों को जोड़े रख सकता है। इसलिए जिन परिवारों से ईश्वर को अलग किया जाता है, हटाया जाता है, वे परिवार गिरने के कगार पर है। यही तो रहस्य है। जिन देशों को आप विकसित कहते हैं, वहां से ईश्वर को हटाया गया। देखिए बगल में जितने घर बने हुए हैं, मैं सोचता हूं ईंट से बने हैं। हमारे बनारस की ईंटें बहुत मजबूत होती हैं, जैसे आपके यहाँ के पत्थर हैं, ईंट से मकान बनते हैं। लेकिन यह कहना गलत है कि सिर्फ ईंट से मकान बनते हैं, ईंट के साथ साथ कुछ और चाहिए। एक ईंट को दूसरे ईंट से जोड़ने वाली चीज चाहिए, जिसको मसाला बोलते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, गारा हो, चूना हो, सीमेंट हो। और जिस समय इन दोनों ईंटों को जोड़ने वाला वो मसाला मर जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, तो एक ईंट दूसरे से सरकने लगती है। ईश्वर ने परिवारों को जोड़ा है। अगर परिवार में ईश्वर के लिए स्थान नहीं रह गया, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, अन्य बातें प्रभु से संबंधित के लिए समय नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वे एक दूसरे से अलग होने लगेंगे और ऐसे परिवार चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप परिवारों को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये निर्णय लेना कि परिवारों को बचाना चाहते हैं। कुछ लोग ये निर्णय नहीं ले पाते हैं। दो साल पहले झारखंड से एक दंपति अपने दो बच्चों के साथ आश्रम आए। पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उनके आते ही नारी ने मुझसे कहा, यानी बच्चों की माँ ने, कि स्वामी जी देखिए मेरे परिवार में कितनी बड़ी समस्या है। हम दोनों नौकरी करते हैं, ये मेरी बेटी है 15-16 साल की लड़की, बहुत सुंदर सी लड़की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मानसिक रोगी है। 15-16 साल की सुंदर की सी लड़की पागल, मानसिक रोगी। उसके बाद 13 साल का लड़का है, क्लास 8 में पढ़ रहा है। उसकी माँ ने मुझसे कहा, उसी के सामने कहा, कि देखिए स्वामी जी ये क्लास 8 में पढ़ रहा है, 13 साल का है, लेकिन ये नशा और इंटरनेट का शिकार बन गया है। मैंने कहा 3 दिन आश्रम में रुकिए, सभी लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए, उसके बाद जाइए। हमारे यहाँ रुकने के लिए सारी प्रावधान है। चौथे दिन वे लोग जाने को तैयार थे। उस समय मिलने के लिए आए तो मैंने पूछा कि आपकी समस्या का कारण पता चला? तो नारी फिर बोल उठी, उसने कहा हाँ स्वामी जी समझ गई, क्या समस्या है, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि स्वामी जी जब ये बच्ची छोटी थी उस समय वो बोला करती थी मम्मी मम्मी, आप दोनों काम करने क्यों जाते हैं, आप में से एक घर पे रुक जाइए ना। लेकिन हमने उसकी बात को नहीं माना, हमारी दृष्टि पैसे पर थी, और आज हमारी बेटी पागल, मेरा बेटा भी एक प्रकार से पागल हो गया है। तो मैंने पूछा आप क्या करने जा रही है? उसने कहा मैं घर पहुंचते ही अपनी नौकरी से रिजाइन करने जा रही हूं, मुझे अपने बच्चे चाहिए। पारिवारिक लोगों को सबसे पहले निर्णय लेना चाहिए कि मैं क्या बचाना चाहता हूं। अगर परिवार को बचाना चाहते हैं कि पैसे को बचाना चाहते हैं? अगर परिवार को बचाना है तो उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने होंगे जैसे जकी उसने उठाया, यहां तक कि कभी नौकरी छोड़ना पड़ेगा। यस व्हाई नॉट। मेरी एक बेटी समान लड़की है जो लखनऊ में काम कर रही है, सेंट्रल हॉस्पिटल की नर्स है, अच्छी कमाई होती है। उसका पति दिल्ली में काम कर रहा था, दो बेटे हैं छोटे छोटे बेटे, पति दिल्ली में काम कर रहा था, अच्छा खासा काम कर रहा था, बहुत अच्छी कमाई होती थी। लेकिन उस बेटी ने कहा कि आपको तय करना है कि आप पैसा कमाना चाहते हैं कि हमारे परिवार को बचाना चाहते हैं, परिवार बचाना है तो छोड़ के चले आइए। तुरंत उसने रिजाइन दे दिया। जिन फादर लोगों के साथ वो काम कर रहे थे, फादर लोगों ने कहा कि पागल हो गया क्या, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के जा रही हो।
उसने कहा नहीं फादर, हमको नौकरी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चे चाहिए, अपनी पत्नी चाहिए, अपना परिवार चाहिए। तो अगर हमें परिवार बचाना है तो परिवार बचाने के लिए ऐसे कड़े कदम निर्णय लेने की आवश्यकता है, साथ ही साथ यीशु को अपने परिवार का केंद्र बनाना होगा। प्रार्थना के लिए समय निकालिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 20, मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु यीशु कहते हैं, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। बाप रे, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। प्रभु कहते हैं जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। ये दो या तीन कौन है? पारिवारिक लोगों के लिए दो या तीन है, पति पत्नी बच्चे। पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए है कम्युनिटी, यानी जिन परिवारों में पति पत्नी और बच्चे यीशु के नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु विराजमान होते हैं। लेकिन जिन घरों में यीशु के नाम पर पति पत्नी बच्चे इकट्ठे नहीं होते हैं वहां पर कौन उपस्थित होगा? सीधी बात है, इसमें कोई तर्क नहीं है, शैतान होगा। जब परिवार में काम बढ़ जाता है, लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, क्या करे टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा कतई नहीं बोलना टाइम नहीं मिलता, तेरा पैर तोड़ देगा प्रभु तब तेरे पास टाइम रहेगा, तुझे कैंसर देगा तब तेरे पास टाइम होगा, कतई नहीं बोलना। जुबान से कभी ये शब्द नहीं निकालना चाहिए प्रार्थना करने के लिए, टाइम नहीं मिलता तो विधाता तुम्हें टाइम दे देगा, कतई अपने मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये बोलिए मेरे अंदर उदासीनता है, मेरे अंदर जो है ना आलस्य है, मैं मानने को तैयार हूं। कभी नहीं बोलना चाहिए, मुझे सुनिएगा, कभी नहीं बोलना चाहिए आपके मुंह से बात नहीं निकलनी चाहिए कि टाइम नहीं मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी टाइम होता है अपने लिए और पूजा के लिए। आप और मैं कितने बड़े होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो प्रतिदिन प्रभु के सामने बैठना। मुझे बचपन की याद आती है, बचपन में हम लोग 9 बच्चे थे, पिताजी आवाज देते थे शाम होते अंधेरा होते ही आवाज देते थे, सब लोग आ जाओ प्रार्थना के लिए, माँ को बुलाओ, सबको प्रार्थना में इकट्ठा होना होता था, छोटा हो बड़ा हो सबको वहां पे होना होता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी प्रार्थना से बाहर रहने की। 2 साल पहले मैं अपनी छोटी बहन के घर पे था, उसके भी बड़े बड़े बच्चे हैं, 2 बेटियों की शादी होगी, 1 बेटा पढ़ रहा है, मैं BSc कर रहा था। शाम के समय सभी लोग प्रार्थना में बैठे थे, लेकिन जो लड़का BSc कर रहा था थोड़ा लेट आया। प्रार्थना खत्म होने पर सब लोग जयसु बोले, उसके बाद मेरे जीजा ने उसे पूछा कि तू कहाँ गया था जी, क्यों लेट आया? जवाब दे रहा था तब तक एक झापड़ दिया, समाप्त खत्म। लड़के को संदेश मिल गया, ये मेरे पापा हैं, खाने के लिए आता हूं बेशरम, प्रार्थना के लिए नहीं आते। इसी तरह पहली बार 94 में हम लोग कन्वेंशन शुरू किए, उस समय हमारी टीम में एक बहन जी थी, अभी तो काफी उम्र की हो गई, बीमार पड़ी हुई है। उन्होंने मंच पर एक बहुत सुंदर प्रार्थना पढ़ी। क्या प्रार्थना थी? हे प्रभु, यहां पर बैठी हुई माताओं के लिए मैं प्रार्थना करती हूं कि वे अपने स्तन के दूध के साथ साथ अपने बच्चों को प्रभु की भक्ति और ज्ञान भी कर दें। अपने स्तन के दूध के साथ साथ बच्चों को भक्ति दें। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 16 में बहुत सुंदर वचन है, वहां पे लिखा हुआ है, अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। वाक्य 4, अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। आज माता पिता अपने बच्चों को क्या क्या नहीं देते, विशेष करके हमारे ईसाई माता पिता इस बात का ख्याल करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, बच्चों को अच्छा कपड़ा देना चाहिए, अच्छा खाना देना चाहिए, बड़ा होने पर उसको जो है लैपटॉप देना चाहिए, उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। लेकिन क्या माँ बाप उनको संस्कार देते हैं? हिंदुओं से सीखिए, मुसलमान भाइयों से सीखिए,
अगर आपने सब कुछ दिया लेकिन यीशु नहीं दिया तो आपने अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया। वे बच्चे आपके लिए दुख के कारण बन जाएंगे, आपको रोना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 6-7 में, वहां पे लिखा हुआ है कि अपने बच्चों को जो वचन मैंने तुम्हें सुनाया है वह सिखाओ पढ़ाओ। धर्म ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों को कट्टरवादी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम लोग खड़े हो जाओ लड़ने के लिए ईसाई धर्म को बचाने के लिए। नहीं, तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं, बचाने वाला मुक्तिदाता यीशु है। प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर के प्रेम का ज्ञान प्राप्त करना, यीशु का ज्ञान प्राप्त करना। मैं क्यों चिल्ला रहा हूं मालूम? क्योंकि कई कई सैकड़ों माता पिताओं के आंसू मैं देखा हूं, ईसाई माता पिताओं के आंसू। लड़के को भेजा पूना पढ़ने के लिए लेकिन क्या बन के आया? नशेड़ी बन के आया। मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ पढ़ा था, बेचारा रेलवे में काम करता था, बहुत पैसा कमाया। एक ही बेटा है, बेटा पढ़ रहा था कहीं दक्षिण में, शायद बेंगलुरु में पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। ऐसा सोच रहा था बाप, सारा पैसा चला गया लेकिन लड़का वापस आया, कोई पढ़ाई नहीं हुई। बाप की सारी कमाई उसने बेंगलुरु में उड़ा दिया। इस दुख में उसकी मां भी मर गई। उसके बाप ने मुझसे कहा कि आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए इस बेटे के लिए। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बोल नहीं सकता हूं। मेरे जिंदगी भर की कमाई गई। तो हमें अपने परिवार में प्रभु के लिए स्थान बनाना है। प्रार्थना के लिए समय दीजिए। आज तक आपके परिवार में प्रार्थना नहीं होती थी, आज निर्णय लीजिए इस तीर्थ स्थान में। आज से हम एक साथ प्रभु की अनुग्रह के सिंहासन के सामने आएंगे। कुछ माताएं बोलती हैं 12-13 साल का हो गया लड़का बात नहीं मानता है। अरे 13 साल का लड़का तेरी बात नहीं मानेगा तो क्या 24 साल में मानेगा? वो पीटो ना, खाना मत दो, बोलो तुमको खाना नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे चर्च में आते हैं तो दौड़ते रहते हैं। मैं बोलता हूं कि तुम सिखा सकती हो आराम से। कैसे सिखाओगी? घर जाएंगे वापस, चर्च से घर जाएंगे तो अच्छे से कुछ खरीद के ले जाना। कौन सी अच्छी चीजें आप लोग जानते हैं? मैं कुछ ही नहीं जानता हूँ। खाने की चीज, ठीक है, खाने की अच्छी चीज खरीद के ले जाना और उसकी बहन है उसको खिलाना। तो मम्मी मुझे दो, तो बोलना तुम चर्च में क्या कर रहे थे, तुमको नहीं दूंगी। अगली बार से लड़का सीधा हो जाएगा, नहीं मेरा बेटा लाला दुलारा मैं इसको दूंगी पहले। नारी नारी की दुश्मन। घर पे हमारे यहां तो गांव में बेटों को सब दिया जाता, घी वो सब दिया जाता, बच्चा कुचा बेटी को। इसीलिए क्या होता है, सिर पर चढ़ जाता है, आके रोती है, स्वामी जी देखिए ना मेरा बेटा मुझे घर से भगा देता है, मारता है। मैंने कहा मार खा, क्योंकि तुमने अन्याय किया। अभी मार खा, प्रभु दे रहा है, प्रभु बोल रहा है बेटा मार, बड़ा डंडा लेके मार इसको, क्योंकि यह नारी का दुश्मन है। हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। अपने परिवार को कलीसिया बनाइए, गिरजा बनाइए, हाउस चर्च। हर परिवार गिरजा है, कलीसिया। कलीसिया की सबसे महत्वपूर्ण इकाई। हालेलुया। यीशु के लिए स्थान दीजिए, विशेष करके इस करुणा के वर्ष में। आज आप इस तीर्थ में आए हैं, मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है मसीही परिवारों के लिए। एक मसीही परिवार, सुंदर मसीही परिवार इस दुनिया में कितना बड़ा आदर्श बन सकता है, कितना बड़ा आदर्श। लेकिन एक बिगड़ा हुआ मसीही परिवार इस दुनिया में स्कैंडल, बुरा उदाहरण बनता है। देखो ना क्या किसकी पूजा करते हैं, लेकिन क्या बन के घूमरे। इनके बच्चे जो हैं लफंगे हैं, चोर हैं। आज हम लोग परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे।
परिवारों को बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाइए। दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए, हाथ नीचे रखिए, खुला अपने गोद में, आंखें बंद रखिए, अपने परिवार को इस समय बंद आंखों से देखिए। मेरा परिवार कैसा है? क्या वो टूटा फूटा है? क्या वो ख्रिस्त रहित है? क्या वहाँ पर शांति है, प्रेम है, मेल मिलाप है? क्या वहाँ पर खुशी है? क्या मेरा परिवार दुख का कारण है? मैं अपने ही परिवार में अनजान, अजनबी, अपने ही परिवार में दुखी, अपने ही परिवार में अपनापन महसूस नहीं करता। मेरा परिवार मसीही परिवार है, लेकिन वहाँ मसीह की शांति है नहीं। झगड़ा, झूठ, भेदभाव, अश्लीलता। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे परिवार को स्वर्ग बना। जिस तरह तू नाजरत के परिवार में आकर उस नाजरत के परिवार को सुंदर बनाया, मेरे परिवार को भी सुंदर बना। इस घर का तुम आशय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आशय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आशय बन जा, पहरा देने चारों ओर स्वर्ग दूतों को लगा देना। पहरा देने चारों स्वर्ग दूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्बलों को तुम बचा लेना। इस घर का तुम आशय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आशय बन जा, साथी और सहारा बन, हमें संग संग चलना सिखा देना। साथी और सहारा बन, हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने, एकता का तुम बल देना। किसी को दुख देवे जो काम मुझसे न होने देना। इस घर का तुम आशय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आशय बन जा। हालेलुया। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए और इस समय अपने अपने परिवारों के लिए हृदय खोल कर, हृदय की गहराई से करुणामय प्रभु से, दया सागर यीशु से प्रार्थना कीजिए। ये दया सागर यीशु, करुणामय यीशु, जिस तरह तूने काना नगर के विवाह भोज में उस परिवार की कमी को पूरा किया, उसी तरह ये यीशु मेरे परिवार की कमी को पूरा कर। क्या क्या कमियां हैं
तुझसे दूर नहीं है, तुझसे छिपी हुई नहीं है। सारी कमियों को तू जानता है यीशु। मेरे परिवार पर दया कर यीशु। मेरे टूटते परिवार को बचा ले यीशु। मेरे डूबते परिवार को बचा ले यीशु। मेरे बेचैन परिवार को बचा ले यीशु। इस समय प्रार्थना कीजिए यीशु से। एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए, मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते हुए, अपने अपने परिवारों को प्रभु की आत्म में समर्पित करते हुए परिवार के लिए प्रार्थना करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलिए मुंह खोलिए, मुंह खोल कर स्वतंत्र होकर अपने अपने परिवारों के लिए पुकार पुकार कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए हमारे घरों और परिवारों के दरवाजे खुल जाएं। प्रभु यीशु के लिए संसार के मुक्तिदाता के लिए हमारे घरों और परिवारों के दरवाजे खुल जाएं। प्रभु यीशु के लिए हमारे घरों और परिवारों के दरवाजे खुल जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता, मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को तेरे पवित्र हृदय में, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। तू मेरे परिवार की सुरक्षा बन, 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 तू मेरे परिवार के मालिक बन, तू मेरे परिवार का मालिक बन, तू मेरे परिवार का केंद्र बन, तू मेरे परिवार का केंद्र बन। सब कुछ तेरे द्वारा, सब कुछ तेरे द्वारा नियंत्रित किया जाए, नियंत्रित किया जाए। मेरे परिवार में, मेरे परिवार में तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा शासन आवे, तेरा शासन आवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में तेरी इच्छा के विरुद्ध, तेरी इच्छा के विरुद्ध जो भी बातें हैं, जो भी बातें हैं, उन सारी बातों को, उन सारी बातों को मैं दूर कर देता हूँ, मैं दूर कर देता हूँ। आइए यीशु, आइए यीशु, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार का मुक्तिदाता बनकर आइए, मेरे परिवार के मुक्तिदाता बनकर आइए, शासन करने आइए, शासन करने आइए, हर व्यक्ति पर, हर व्यक्ति पर तेरा अधिकार हो, तेरा अधिकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी विसंगतियां हैं, जो भी विसंगतियां हैं, तेरे हाथों में, तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं। आइए यीशु, आइए यीशु, तेरे छिदे हुए हाथ से, तेरे छिदे हुए हाथ से उन्हें निकाल दीजिए, उन्हें निकाल दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, टूटे परिवारों को जोड़ दीजिए, बिखरते परिवारों को जोड़ दीजिए। हालेलुया हालेलुया। एक साथ बोले, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। तीन बार हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हालेलुया हालेलुया।